प्रदूषण की मार से जूझ रही गंगा को लॉकडाउन से संजीवनी मिल गई है। लॉकडाउन के कारण देश भर में इंडस्ट्रियल यूनिट बंद हैं और इसका असर नदियों या पर्यावरण पर देखने को साफ तौर पर दिख रहा है, मिल रहा है। गंगा या दूसरी नदियों के प्रदूषण में 24% का हिस्सा उद्योग से निकलने वाले कचरे और मलबे का होता है। अब जबकि एक महीने से फैक्ट्रियां बंद हैं, काम नहीं चल रहा है, इस वजह से गंगा समेत दूसरी नदियां भी पहले के मुकाबले साफ हो गई हैं। गंगा नदी को मिली संजीवनी, लॉकडाउन में निखर रही है गंगा, कलकल कर बहने लगी है नदी। लॉकडाउन के दौरान भले ही इंसान खुद को घरों में कैद महसूस कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति खुली सांस ले रही है। लॉकडाउन का दूसरा चरण जारी है और इस दौरान पावन गंगा नदी का जल फिर से निर्मल होने लगा है। गंगा इतनी स्वच्छ हो गई है मानो गंगा मैया इस दिन का ही इंतजार कर रही थी। कल कारखानों के बंद होने से उससे निकलने वाले गंदे पानी की मात्रा में काफी कमी आई है, उसका असर गंगा की स्वच्छता पर पड़ा है। लोगों का स्नान बंद है, लाशें नहीं के बराबर जल रही हैं, जहाज का चलना बंद है जिससे पानी स्वच्छ दिख रहा है। देश भर में लॉकडाउन के दौरान जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं वो बंद हैं, यानी औद्योगिक इकाइयों के बंद होने से उससे निकलने वाला कचरा भी गंगा या देश की अन्य नदियों में नहीं पहुंच रहा है। नदियों के लिए काम करने वाले एक्सपर्ट बताते हैं कि गंगा में या नदियों में पॉल्यूशन की एक अहम वजह होती है औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे। अब जबकि लगभग एक महीने से उद्योग से निकलने वाले कचरे गंगा में नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसका सीधा असर गंगा में जो गंगा की जो पवनता है उस पर पड़ा है और गंगा का जो पानी है वो कहीं न कहीं साफ नजर आ रहा है। लॉकडाउन शुरू होने से लेकर अब तक गंगा नदी के पानी में सुधार दिखा है। घाटों के किनारे होने वाली गतिविधियां बंद हैं। कृषि कार्यों में इस वक्त कटाई का सीजन है और पानी की जरूरत नहीं है। लगातार बारिश हुई है और जो भी पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है वो उसके पर्यावरण प्रवाह को बेहतर बना रहा है। गंगा ही नहीं सारी नदियों पर पड़ा है, इसलिए कि जो नदियों के प्रदूषण का जो मामला होता है उसका 74% सीवरेज का होता है, नालों के पानी का होता है, और 24% जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है और 2% जो है पब्लिक के द्वारा होता है। तो 24% जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो औद्योगिक इकाइयों के बंद होने की वजह से जो औद्योगिक कचरे थे वो गंगा में नहीं जा रहे हैं, किसी नदियों में नहीं जा रहे हैं। विश्वव्यापी COVID-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन से महामारी के संक्रमण पर चाहे जितना भी असर पड़ा हो, लेकिन इसका सीधा असर देश के पर्यावरण और खासकर करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक और उत्तर भारत की जीवनदायिनी गंगा पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। पटना से प्रीतम कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।